दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी की भूपेश बघेल के साथ बैठक होगी और 10 जनपद पर यह बैठक हुई है। दरअसल दिल्ली में हुई इस बैठक के बारे में जो डिटेल मिल रही है, बताया जा रहा है कि काउंटिंग से पहले सोनिया गांधी ने मीटिंग की है। और दिल्ली से बड़ी खबर, सोनिया गांधी की भूपेश बघेल के साथ बैठक हुई और इस बैठक में चर्चा हुई है 3 तारीख को लेकर। अंशिका, 3 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान समेत अन्य राज्यों में, बल्कि छत्तीसगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, और 3 दिसंबर जिस दिन रिजल्ट आएंगे और इसका इंतजार बेसब्री से हर कोई कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि अब सोनिया गांधी से भूपेश बघेल की बात क्या हुई इस मीटिंग में, यह जानना जरूरी है। क्योंकि वैसे भी सरगर्मियां तेज है छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं, तो कई ऐसे टॉपिक से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात हुई होगी। 10 जनपद पर दोनों की बैठक हुई आज, भूपेश बघेल और सोनिया गांधी ने मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बनेगी कांग्रेस की, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर आश्वासन नहीं मिल पा रहा है उन नेताओं को कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए, अशरफ भाई बहुत स्वागत है, लेकिन अभी की जो स्थितियां बन रही हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि ये जो चर्चा होगी क्या मुख्यमंत्री के पद को लेकर होगी, क्योंकि कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है और कांग्रेस भी कि हम वापस सत्ता में लौट रहे हैं। आज जो सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है तो उसमें मुख्यमंत्री ने विस्तार से उन्हें पूरे चुनाव की रिपोर्ट दी है, एक तरह से कि कैसे हमारे ऊपर जो विपक्ष है यानी भाजपा ने आरोप लगाया और हमने किस तरह से उनका जवाब दिया। खासकर जो मुद्दा था महादेव ऐप का, उसको लेकर भी उन्होंने पूरी स्थिति साफ की है कि कैसे आरोप लगाए और हमारी क्या स्थिति, हमने क्या कार्रवाई की। तो पूरी उन्होंने विस्तार से एक एक आरोपों को, जो भाजपा ने आरोप लगाए थे और कांग्रेस ने कैसे उनका जवाब दिया, वो पूरी विस्तार से चुनाव को लेकर उन्होंने रिपोर्ट दी। और अंतिम दिन तक के मतदान जो प्रचार किया वो कैसा रहा और मतदान के दिन क्या स्थिति रही, लोगों का क्या मनोभाव था, वो किस तरह से सरकार को यानी कांग्रेस को लेकर उनके बारे में क्या स्थिति है, कितना उत्साहित है, तमाम पहलुओं पर चर्चा की और पूरी एक रिपोर्ट दी। और इसके बाद फिर वो कुछ देर बाद कांग्रेस के संचार प्रमुख जो हैं रमेश जयराम रमेश और सांसद भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। और इस वक्त मुख्यमंत्री की मुलाकात कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो रही है। चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है, तो यहां दिल्ली आए हैं, तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनको कि चुनाव हमने कितनी मजबूती से लड़ा, किन मुद्दों के आधार पर लगा, जो आरोप लगाए वो क्या है, उसको पूरी रणनीति का जो है वो यहां पर रिपोर्ट दी जा रही है। चाहे वो इस वक्त लेखा जोखा एक तरीके से कि क्या कुछ किया गया, किस तरीके से प्रचार किया गया, कहां पर गए और क्या स्ट्रेटेजी रही है, तमाम चीजें बताते हुए सोनिया गांधी को भूपेश बघेल जानकारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। और एक अपडेट आपको दे देते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने भूपेश बघेल गए। चलिए बढ़ते हैं आगे।